भैया साइड से ऑब्जेक्शन आया दूसरी टीम उधर चल जाऊंगा मैं, आप बाहर चल जाओ क्योंकि वो बाहर बैठे हैं प्लीज। और इसी घोषणा में मैं बता दूं हमारी आयोजक कमेटी के सफल संचालन हेतु 1100 रुपए का पुरस्कार या 1100 रुपए का सहयोग राशि दी है राजेश जी बारवाड़ जी की ओर से। मैं राजेश जी बारवाड़ का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके और उनके परिवार को सुख समृद्धि उन्नति से भरपूर फलीभूत रखे। धन्यवाद सर। तो हमारे मंच पर आपको दिख रही होगी जीतने वाले की शील्ड, विजेता की शील्ड, उप विजेता की शील्ड। और मैं दोनों उद्देशक जिन्होंने जीत के लिए पैसे लगाए हैं उन दोनों को आमंत्रित करूंगा, विनोद जी मीणा साहब, विनोद जी मीणा जी और राजेश जी, नहीं वो सामने ठेकेदार जी कहते बाबूलाल जी ठेकेदार जी, दोनों को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपने खिलाड़ियों से परिचय करें। विनोद जी मीणा सर जो के अध्यापक हैं और सामने बाबूलाल जी ठेकेदार जी, ये खेल की बड़ी सम्मानीय परंपरा आपके मनोभावों को देखते हुए और आपके खेल के प्रति जो आपका योगदान है आपका प्रेम है उसको देखकर हम ये सम्मान आपको प्रदान कर रहे हैं। आप वास्तव में काबिले कार्य कर रहे हैं। तो दर्जनी टीमों के खिलाड़ियों से पर्चे लेते हुए और पर्चे समारोह यहाँ पर चलता हुआ दोनों ही हमारे जो स्पॉन्सर है जिन्होंने एक एक टीम को चुना है, विनोद जी जिन्होंने बेहतर को चुना है 1100 रुपए देके रहे विजेता के रूप में, और ठेकेदार साहब ने चुना है पलसावटा को, उन्होंने 500 रुपए का सहयोग उपहार उनको देने की घोषणा करी है। तो एक अच्छा खेल यहाँ पर होने को जा रहा है। इस रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता प्रथम रात्रिकालीन जिला राज्य सॉरी तहसील स्तरीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का यहाँ पर समापन समारोह और अंतिम मैच फाइनल मैच प्रारंभ होने को है। फाइनल मैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टीम कैप्टेंस और उनकी टीम के सदस्य सुन ले भैया, एक तो फर्जी अपील बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे आप, ठीक है ना? अगर प्रॉपर आपको 100% कॉन्फिडेंस है तो ही अपील करेंगे आप सुन लीजिए, वरना स्पष्ट अभी बोनस नहीं होगा, स्पष्ट बोनस होगा। एक ये आप फर्जी अपील नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ का टाइम है। हम तो एक खिलाड़ी से पूछता है बाहर जा करके, ऐसा नहीं लगा तो फिर हम तो आप पे विश्वास कर जाते हैं सीधी बात है। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप, और बेहतरीन जितने भी नियम हैं सारे नियम से आप खेलेंगे, सारे नियम फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए टीम कैप्टेंस टॉस करवाते हुए हमारे पप्पूलाल जी मीना साहब आप बोलेंगे, बोलिए। इस प्रतियोगिता का ये आप बोलिए, आप कैप्टन हैं। फाइनल मैच टॉस विन बाई बेथेड एंड चॉइस कोर्ट। फाइनल मैच के टॉस को जीता है बेथेड ने और कोर्ट डिसाइड किया है। और यहाँ एक और घोषणा विनोद जी मीणा जी ने की है कि इस मैच के दोनों जो मैन है रेफरी हैं
श्रीमान करण फूल जी पीटीआई जी और प्रेम राज जी, प्रेम प्रकाश जी, उन दोनों के लिए 200-200 रुपए का नगद उपहार उन्होंने दिया है और उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आयोजन कमेटी बामनवास, अरे नेता बामनवास से हमारा माथ तो हटा दिया बनने जी, हमें जानते हैं इनके समय में हमने जिला लेवल पर 2-3 बार कबड्डी का फाइनल जीता है और दोनों टीमों से मेरा ये कहना है कि दोनों ही अपनी टीम में बेहतर और फलसावटे में कोई अंतर नहीं, ऐसा गेम दिखाए तो जो दर्शक बैठे हुए हैं उनको लगे वास्तव में यार यार मेरे पीछे ही पड़ गया है। दोनों टीम ही ना सुनाए गुना उनको अच्छा लगे वास्तव में कबड्डी हमारा पारंपरिक खेल है, हमारे बाप दादा इससे जुड़े हुए हैं और कमेटी का निर्णय उसको स्वीकार करे, दोनों टीमों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नईम जी, ये बेहतर से थे नईम जी और अच्छे कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, उन्होंने दोनों ही टीमों को हिदायत दी कि ध्यान से खेले, सद्भावना के साथ खेले। 500 रुपए और यहाँ इसी घोषणा के स्वरूप कमेटी को, आयोजक कमेटी को 500 रुपए का सहयोग राशि दी है विजय जी बारवाल ने। मैं विजय जी बारवाल का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और उनके सुखद भविष्य और उनके परिवार के सुख समृद्धि की कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ये 500 रुपए कमेटी को फलस्वरूप दिए हैं और दिए उन्होंने। केशव ये 500 रुपए विजय जी बारवाल ने कमेटी को दिए और इसमें सारे प्रो कबड्डी के एक कृपया ध्यान दें, वैसे तो रेफरी महोदय ने सारे नियम बता दिए फिर भी आप लोग ध्यान दें कि इसमें प्रो कबड्डी में जो नियम लागू हैं वो सारे नियम फॉलो होंगे। आपको रेफरी की बिसिल का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का संघर्ष रेफरी की बिसिल के बाद में नहीं होना चाहिए। ब्लैक डाइव कुछ सेकंड पल्सन लेड पे जाएंगी, टॉस जीता था बेहतर ने, टॉस जीता कोर्ट सेलेक्ट किया था तो आमंत्रित किया है यहां पर रेड के लिए पल्सौटा को। टाइमकीपर है, स्कोरर है, आउटर है, यस गेम स्टार्ट और यहां टाइम चालू। फर्स्ट रेड देने जा रहे हैं पल्सौटा की सीनियर की ओर से बेहतर के लिए और अपना बोनस के लिए क्लेम किया, टू टच करने की भी उन्होंने चैलेंज किया और अपनी रेड देते हुए काफी अच्छे रेडर हैं, अभी पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया था, अपना समय लेते हुए रेडर एक बार फिर अब 20-5 का ये मैच है, फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का, एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पर निश्चित रूप से 2 पॉइंट लिए हैं बेहतर ने। अपना ओपनिंग स्टार्ट करिए बेहतर ने, काफी अच्छी रहे बताइए दर्शक आज का भी उत्साह इस मैच को लेके। इस बीच रेड देने के लिए गए हैं और सोप के जितने भी खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, उनका टेम्पो जा रहा है, टेम्प में साथी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं कृपया पहुंचे। इस बीच एक पॉइंट और मिल गया है यहाँ पर पल्सौटा को, यहाँ पर स्कोर है 2-1 का, 2-1 और ये देखिए बहुत ही अच्छी रेड, बहुत ही अच्छी रेड बेहतर
दो और लेते हुए 4-1 बेहतर की ओर से काफी अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। हेडर यहां पर रेड देते हुए लंबे खत के आजाद और यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा अटैक कर रहा थे से के होता है अच्छा डिफेंड यहां पर और निश्चित रूप से बेहतर को एक अंक और मिला। बेहतर 5-5 पंसावटा एक पंसावटा एक सुपर टेकल ऑन है सुपर टेकल ऑन फाइनल मुकाबला बेहतर वर्सेस फलसावटा लाइक करते रहे वीडियो को ताकि आपको लाइट देखने में कोई दिक्कत ना आए। का मुकाबला लेकिन अपना समय लेते हुए अभी बढ़त बनाए हुए बेहतर अपने पॉइंट फलसावटा मुकाबला बामन रेड देने गए हैं फलसावटा के सीनियर के खिलाड़ी रेड बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैच चल रहा है काटी गए और यहाँ पर देखिए क्लेम किया है 2 पॉइंट का और निश्चित रूप से बोला क्लेम सही साबित हुआ 2 पॉइंट लिए रेड और यहाँ पर 2 पॉइंट 3 पर पहुंच गए हैं पल्सावटा और 3-5 का ये स्कोर 5 पर है बैठे 3-5 आदिल आया आदिल कैप्टन है बैठे के और लंबे खर के काफी लंबे खत के खिलाड़ी हैं आदिल और बेहतर लाइक करते हैं भाई कभी भाई इसी के साथ 4-4 पर पहुंच गए हैं और 4 का शिकार रेडर गए यहाँ पर रेड देने के लिए और यहाँ पर रोक लिया है डिफेंडर्स ने डिफेंडर्स का अच्छा प्रयास और 1 पॉइंट और मिला यहाँ पर बेहतर को बेहतर 6-4 काफी आक्रमक और कबड्डी देखने को मिल रही है यहाँ पर हेलो हलिया एक और पॉइंट यहाँ पर बेहतर को 7-4 काफी रोमांचक मैच इस बीच रेड आ रहे हैं पल्सावटा के पूरी सजगता के साथ और यहाँ पर पैर में पकड़ चल रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए डिफेंडर 1 पॉइंट ले गए 5-7 रेड अब जा रहे हैं बेहतर की ओर से आगे जा चुके हैं के कैप्टन अंदर आ चुके हैं 5-7 और ये देखते क्या होता है काफी नजदीकी मुकाबला दोनों टीमों के बीच होगा काफी अच्छा खेल दोनों टीमें मजबूत टीम है दोनों अच्छे दर्शकों से बोलते हैं कि अच्छे खेल का उत्साह वर्धन करें बहुत ही अच्छा आजाद अब आ गए हैं फलसावटा के कप्तान आजाद जबकि आदिल बेहतर के कप्तान रेड टी शर्ट में भी बाहर है इस बीच रेड देते हुए पूरी जागरूकता के साथ देखते हुए नजर दोनों तरफ रखते हुए अपना समय ले रहे हैं आजाद परिंदा आजाद और यहाँ अपनी रेड पूरी करके वापस अपने कोर्ट पर इस बीच बेहतर की ओर से रेड देने के लिए 7-5 का स्कोर है काफी अच्छी रेड यहाँ पर हड़कंप सा बना के रखा है देखते हैं आने का आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं पूरी रेड का समय लेते हुए अभी भी स्कोर 7-5 लगभग 5 मिनट का खेल हो चुका है 20 मिनट का पहला हाफ होगा ये इस फाइनल प्रतियोगिता का 20 मिनट का पहला हाफ और दूसरा भी 20 मिनट का समय लेते हुए आजाद मात्र 2 पॉइंट से अभी पीछे है पल्सावटा लेकिन काफी लंबा समय अभी बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और यहाँ पल्सावटा की 2 रेड खाली जा चुके लगातार इस बीच बेहतर की ओर से रेड देते हुए
देखते हैं क्या करते हैं, माफी काफी अच्छी। और यहाँ टैगर को ये पकड़ा है लॉबी के बाहर, पकड़ा है और लॉबी के बाहर, और एक एक मारे एक एक रेडर आउट, यहाँ पर रेडर आउट, एक पॉइंट मिला और टाइम आउट लिया है यहाँ पर। नहीं, थर्ड रेड डू एंड डाई रेड है, डू एंड डाई रेड, करो या मरो, थर्ड रेड है, इनकी सजा ले गई। देखते क्या करते हैं, स्कोर है अरे हट जाओ ने 6-7 डू एंड डाई रेड है, अपना क्लेम करना चाह रहे थे लेकिन मना किया और यहाँ पर डबल कर पाए, डाई हो गए, डू एंड डाई रेड थी। आजाद अपने आप को कुर्बान करके वापस आ रहे हैं और उधर एक टीम का कप्तान बाहर तो एक टीम का कप्तान अंदर, आदिल आ गए हैं अंदर, बेहतर की ओर से रेड, 8 हो चुके हैं बेहतर के पॉइंट, 8-6 दो अंक का अंतर चल रहा है, 8-6 का यहाँ पर, और काफी अच्छी फ्लाइंग की क्या मारी। एक बार फिर रेडर पलसाता की ओर से, देखते हैं अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हैं, और यहाँ पर पकड़ा है, सबने मिलकर एक चैन बनाई, यूनिटी दिखाई और बेहतर को एक और पॉइंट, इस पॉइंट के साथ ही बेहतर पहुंचा 9-6 ये थर्ड एंड थर्ड रेड है, डू एंड डाई रेड है, ये भी थर्ड रेड है, डू एंड डाई रेड, और देखते हैं रेफरी वहां पर, पांव बाद में पकड़ा, पांव एक एक पॉइंट दोनों को मिला है, दोनों खिलाड़ी बाहर, एक एक पॉइंट तो दोनों ही आउट हुए और यहाँ एक एक टीम का अंक, स्कोर हो चुका है 10-7 पलसाटा की ओर से रेड देते हुए, और यह पकड़ा है लेकिन सफल नहीं हो पाए, एक पॉइंट रह गए पलसाटा के, रेडर जैसे ही देखा 8-10 दो अंक के अंदर, 8-10 आदिल और कप्तान, बेहतर गए आदिल, आदिल जिनका लुक लगता है बहुत अच्छा, और आदिल कुछ कुछ खली जैसे दिखते हैं, और यहाँ क्लेम किया उन्होंने और जजमेंट सही दिया, एक पॉइंट ले गया आदिल, आदिल क्या की टीम हो गई 11 बैपेड 11 बैपेड 11 अब पलसावता के कप्तान आजाद, आजाद और अपनी टीम के लिए कितना अंक अर्जित कर पाते हैं, आजाद रन देते हुए, आदिल कप्तान बेहतर के, काफी लंबे हट्टे कट्टे और इनकी जो दाढ़ी का लुक है वो कुछ कुछ मिलता है खलीस ऐसी, और ये देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर रेड दिए, सजग थे आदिल, जैसे ही देखा पीछे से आ रहे हैं, बैक अटैक किया और बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी हाथ से अटैक करना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, और इसको हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय प्रधान शशिकला जी मीना पधार चुकी है, हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत है, दर्शकों से लोग ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे हैं आज की समापन समारोह के, अच्छा बुला रहे हैं आजाद यहाँ पर माननीय अभिता जी का मैच में बहुत अच्छा खेला जी मीना प्रधान, पंचायत समिति का आशीष भी के पॉइंट के और ये सुपर रन, 3 पॉइंट ले लिए हैं, 3 पॉइंट सुपर रन, स्कोर इन टीम के साथ ही बड़ा है 11 और शायद दोनों का स्कोर 11-11 इक्वल स्कोर है, अभी बहुत ही अच्छी वापसी करवाई है सुपर रेड ने, 3 पॉइंट ले रहे आदिल, आदिल अपनी टीम के लिए रेड देते हुए, कप्तान है बेहतर के आदिल, इस पर तो फाइनल मैच देखा जा रहा है अभी दर्शकों के द्वारा, और पहली बार पलसा का सीनियर पदक बनाते हुए 12-11 अभी तक बेहतर आगे थी, फिर से आजा
12-11 ऑल आउट का खतरा भी हो सकता है यार। रेड देने गए हैं कप्तान आजाद ने और क्लेम किया, एक पॉइंट ले लिया है। ऑल आउट का खतरा 11 ऑल आउट का खतरा है या बेहतर ऑल आउट होने की तरफ जा रही है। 13-11 स्कोर है, काफी अच्छा मैच यहाँ देखने को मिल रहा है और लगभग 11 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कुछ अंक अर्जित कर पाते हैं कि यहाँ पर अपनी टीम के लिए बेहतर के 13-11 अंक हैं अभी दोनों से। ये 3 पॉइंट लिए है बेहतर ने, 3 पॉइंट के साथ ही फलसाता ने और स्कोर 16-11 बोनस 16-12 और आज फिर से बैठ पर 16-12 अभी बोनस भी था उनका इसलिए 12 हो गए 16-12 लगभग 12 मिनट का खेल हो चुका है। दर्शकों को बता दूं यह भी इस मैच का प्रसारण पूरा लाइव पर किया जा रहा है और पूरा गांव इस मैच को देखने के लिए यहां पर आ चुका है। कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और यस बोनस उन्होंने लिया है यहां पर 1 पॉइंट 17-12 पलसावता सीनियर 17 और ये देखिए वाह 17 और यहां ले लिया निश्चित रूप से 1 पॉइंट बेहतर ने 17-13 बेहतर 17 पलसावता सीनियर, पलसावता सीनियर के कप्तान आजाद रेड देने के जा रहे हैं। जिस तरीके का खेल एक प्रो कबड्डी में होना चाहिए वो दिखने को मिल रहा है, एक स्तरीय कबड्डी। आजाद पलसावता की ओर पर देखो अपना पूरा टाइम लेते हुए और बेहतर के ऊपर आगे बढ़ते हैं और जाबलक नाम है रेडर का, बहुत अच्छे और अच्छा गेम देखने को मिला दर्शकों को, तालियां बजाते रहो दर्शक। बहुत ही अच्छा रेडर टीम को कैच किया यहाँ पर डिफेंडर ने और 1 पॉइंट मिला और बोनस पलसा बेहतर को बोनस 1 पॉइंट मिला। स्कोर है 18-14 पलसावता 14 बेहतर और ये देखिए खतरा हो सकता था लेकिन लंबे खत के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा नाराज है अपने साथी टीम से कोई सहयोग नहीं हुआ। 19 यदि बिल्कुल उनकी बात से सहमत है, यदि शायद चेन बनी होती तो निश्चित रूप से रोक सकते थे आजाद को। अब आ गए हैं आदिल बेहतर के कप्तान, लंबे हट्टे कट्टे चौड़े भरपूर, देखते हैं अपनी टीम के लिए मैच पॉइंट बेहतर की ओर से। आदिल अब तक इस मैच का सफल आदिल और यह आदिल ने ले लिया है पॉइंट और इसी के साथ ये टाइम आउट लिया है। स्कोर है 15 बेहतर 19 पलसाता। आदिल लाल पीले हो रहे हैं और यूनिफॉर्म में उनकी लाल पीली है। बिल्कुल बिल्कुल लाल पीले मत हो, सब्र रखो। अभी तो मैच शुरू हुआ है सर, अभी भी इस मैच में अंतिम जो क्षण होगा वो रहेगा लाल पीले मत हो आदिल महोदय। टाइम आउट आजाद देते हुए पलसावता के यहां से आजाद खेल पुनः प्रारंभ। टाइम आउट पूरा, यस टाइम आउट फिर ले लिया गया है आपकी बार, टाइम आउट ले लिया है आपकी बार बेहतर ने फुल टाइम आउट। 14 मिनट और 48 सेकंड का ये हाफ हो चुका है, 14 मिनट 48 सेकंड 20 मिनट का हाफ है ये, 20 मिनट के दो हाफ होने फाइनल प्रतियोगिता के और यहां पर चेंज किया है बेहतर ने। जावेद अंदर आए हैं और बाहर गए हैं, बाहर आए अकरम बाहर गए, जावेद इन अकरम बाहर, ये परिवर्तन है। इसके बाद पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ यावत रोड पर एम्पायर रेफरी की विसिल और खेल प्रारंभ। ये फर्स्ट हाफ
आगे बढ़ता हुआ। और ये देखिए आजाद, आजाद बिल्कुल आजाद परिंदे हैं, फंसते नहीं है जाल में, निकल जाते हैं हर हाल में। 20-15 और ये रेड निकल गया, सजग नहीं थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने और बोनस दे दिया है यहाँ पर, बोनस तो बोनस लेकर गए हैं यहाँ पर। 16 स्कोर इनका है बलसाता का, अब तक इसने 16 बेहतर। यहाँ पर बाहर रेडर बाहर और रेडर यस एक ही पॉइंट मिल, यहाँ बेहतर पॉइंट मिला है 17-20। और बेहतर के ऊपर रेडर आगे बढ़ते हैं, ये पकड़ अच्छा डिफेंडर्स ने काम किया है, एक चैन बनाई और रोक लिया यहाँ पर रेडर को। एक पॉइंट मिला पलसाता को, 21 पे पहुंच गए पलसाता डिडाता और बेहतर है 17-17। और इस बीच ये रेडर आजाद खींच ले गए, अब की बार है और एक पॉइंट और यहाँ पर 22। काफी अच्छी रेड दे रहे हैं दोनों ही कप्तान, पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हैं बेहतर के कैप्टन आदिल, आदिल दिल ओवर पलसाता, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी बढ़त बनाए हुए हैं पलसाता, यहाँ अटैक कर रहे हैं आदिल और आदिल को पकड़ लिया है, आदिल ने समर्पण कर दिया है। 23 शेर का शिकार, 23 पलसाता, 23 और 17 सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन 17-23। देखते हैं क्या होता है, लगभग 17 मिनट का खेल हो चुका है, फर्स्ट हाफ चल रहा है। टाइम लेते हुए यहाँ पर उन्हें पता है कोई खतरा नहीं और देखते हैं अब रेड देने जा रहे हैं बेहतर के रेडर, चैन बना करके वो काफी अट्रैक्टिव रेड जोश के साथ, काफी स्फूर्ति के साथ रेड दिए यहाँ पर, लेकिन उतने ही सजग थे यहाँ पर सारे डिफेंडर, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने को बुला रहे हैं लेकिन बुलाने का है लेकिन जाने को नहीं। अच्छा मूवमेंट दिखाया सजगता के साथ अपनी रेड देते हुए, आजाद फिर से रेड देते हुए आजाद 18 मिनट का खेल हो चुका है, दोनों की बार आजाद को कर दिया है, रोक लिया है, सुपर टैकल ऑन था, सुपर टैकल ऑन, 2 पॉइंट मिले यहाँ पर और स्कोर पहुंचा इन 2 से 19 जबकि पलसाता है 23 है ना। यार ना तो परेशान हो गया, ये छोड़ रहा है, इसकी बैटरी खराब हो गई, क्या हुआ भाई, सेल डाउन हो गई। इस बीच यहाँ पर रेड लेते हुए की बार फिर दोबारा सुपर टैकल, सुपर टैकल बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिफेंडिंग, 21 और अंतिम मिनट चल रहा है फर्स्ट हाफ का, 21 और इधर पलसाता कर को है 24, अंतिम मिनट चल रही है फर्स्ट हाफ की, देखते हैं क्या होता है। बोनस के लिए क्लेम किया लेकिन नहीं मिला है और अंतिम मिनट फर्स्ट हाफ की रोक लिया है और एक बहुत ही अच्छा एक और पॉइंट 22 और इधर है 24 और 22 और इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म। हेलो क्या
फर्स्ट हाफ तक स्कोर है 22 फलसाता 24। हेलो कैसे अभी ये माइक बार बार बंद हो रहा अभी दोस्तों के अभी सीट बिल्कुल बुरा चल रहा है, अभी तक इस मैच में कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम विन हो गई। बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा है, दोनों ही टीमें काफी मजबूत है, जबरदस्त रोमांस देखने को मिला था आपकी ओर। अजय कंटा पकड़ा बेहतर द्वारा खिलाड़ियों पत्र जीत चुका है, अनुदार फैसल द्वारा पत्र भी बच्चे पार्टी आसान को भी बिल्कुल कह सक करें पहले ही बता दीजिए कितना का करें आज के बाद प्रतियोगिता का कैमरे की कनेक्टिविटी दर्शकों की संख्या काफी इस पानी वाले ग्राउंड में आज का ये फाइनल मैच फलसाता और बेहतर के बीच खेला जा रहा है। फर्स्ट हाफ पूरा हो चुका है जिसमें 22 पॉइंट है बेहतर के और 24 पॉइंट है फलसाता के। काफी अच्छी कमेंट्री की जा रही है सुधाकर जी के द्वारा। क्रिकेट और कबड्डी दोनों में काफी अच्छे कमेंटेटर है हमारे आदरणीय सुधाकर जी, बहुत बुलंद आवाज है उनकी। अब ये जो 20 मिनट का और खेल होगा इसमें बहुत जबरदस्त कमेंट्री करेंगे, इसमें कॉमेडी। हेलो देखने को मिल रहा है जोश, वाह क्या कबड्डी है। बहुत ही अच्छा फर्स्ट हाफ रहा, कसमकस रही, कभी वो आगे कभी ये आगे और अंतिम स्कोर रहा था फर्स्ट हाफ का। सुधाकर जी बताइए इस मैच के बारे में आगे आपके विचार की कैसा मैच देखने को मिला दर्शकों को। मैं फिर कहता हूँ मैच के बारे में विचार नहीं, जज्बा होना चाहिए खिलाड़ियों का। जिसने सोच लिया मुझे जीतना उसको कोई रोक नहीं सकता, हिम्मत न हारना बंदे। आज आपने देखा, मैं फिर कहूँगा क्रिकेट का मैच भारत और पाकिस्तान का कोई कयास नहीं लगा सकता था कि कब क्या हो रहा था, सब ये सोच रहे थे। जो पहले जो सेमीफाइनल मैच हुआ था उसमें इसका मैच हुआ था, जो फाइनल मैच है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है जिसमें दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको काफी कसमकस भरा हुआ है मैच, बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिला था। बच्चा पार्टी आयोजक कमेटी ने भरपूर मेहनत के साथ एक सफल आयोजन करने को जा रहे हैं। ये प्रथम जिला स्तरीय रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता भावनवास में पहली बार की गई है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका संचालन हुआ है। आप देख रहे हैं कमेटी मेंबर्स वॉलेंटियर्स अपने
पूरा योगदान देते हुए, अच्छे रेफरी यहाँ पर हैं, अच्छे स्कोरर यहाँ पर हैं, अच्छे टाइम कीपर यहाँ पर हैं और उतनी अच्छी दर्शक दीर्घा है यहाँ पर। आज मैं अभी बाहर जाके आया तो लगभग पीछे 40 फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है, आप निकल नहीं सकते, जब आप जाओ तो देख के निकलना। पूरा बाने वाला स्टेडियम फिर भरा हुआ है, दिवाली से पूर्व दिवाली, जोरदार ताली, सबको मिलेगी खुशहाली, बजाओ ताली, जोर से जाओ। इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण कई चैनल्स पे देखने को मिल रहा है, जिसमें खासकर से भानु गौतम भानुराज पूरा लाइव दिखा रहे हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल पे भी जाकर इस मैच को देख सकते हैं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि थोड़ी शालीनता बनाए रखें, खेल ग्राउंड के थोड़ा बाहर रहे, मुझे लग रहा है कि कुछ साइड में कुछ दर्शक अंदर आ गए हैं, वॉलंटियर अभी उनको बाहर करते हैं ताकि बाद में कोई व्यवधान ना हो। सभी दर्शक अंदर आ भाई, निकल रहे बाहर से थोड़ा। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। यहाँ के जो युवा खिलाड़ी है बावनवास के, दर्शक दुर्गा में बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो देखें, सीखें, कुछ नया अपन अपने खेल में लाएं। और इसी बीच सेकंड हाफ के लिए रेफरी ने अलार्म बेल बजा दी है, दोनों टीम तैयार होने के लिए कह दिया है, सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला है। सेकेंड हाफ का दोनों बॉच एम्पायर से, टाइम कीपर से, आउटर से, स्कोरर से एंड गेम स्टार्ट। और इस प्रतियोगिता के अंतिम 20 मिनट स्टार्ट, रेडर है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्लेम किया है उन्होंने, चैलेंज किया अपना, देखते हैं डिपेंड करता है रेफरी पर कौन सही कोई गलत, और यहाँ पर कोई मौका नहीं, एक चैलेंज खारिज किया उनका। अब आ गए हैं पलसाटा के रेडर, ये पकड़ लिया है और काफी कोशिश की है, लेकिन आदिल बिसिल बच चुके। आदिल भाई कृपया ध्यान दें, जैसे ही बिसिल बजे आपको डिपेंडर को छोड़ना है, वो रेडर को छोड़ना है। और यहाँ पर बैटर को एक और पॉइंट, स्कोर बढ़ता हुआ 23, उधर 24, सेकेंड हाफ का पहला पॉइंट लिया बैटर ने, 23-24 मात्र एक पॉइंट का अंतर है। आप आगे बढ़ते हैं रेडर आदिल, बैटर की ओर से बहुत अच्छे अभी तक सफल रेडर है आदिल जो कि कप्तान है, लाल पीली ड्रेस में है, लाल पीले रहते हैं। इस बीच यस टाइम आउट लिया है यहाँ पर बैतेड की ओर से, टाइम आउट, खिलाड़ी चेंज है, रोमन की जगह मस्कुल इन, रोमन बाहर, नोमान बाहर हुए हैं, मस्कुल इन हुए हैं और फिर पुनः चालू। यहाँ पर रेडर पलसाता के रिजवान मुन्ना, रेडर रिजवान मुन्ना है लेकिन नन्ना मुन्ना नहीं, ये सिपाही है पलसावता का, इसी ने बढ़त दिलाई है। अपनी राइड पूरी करते हुए धीरे धीरे मैच कांटे का होता जा रहा है यहाँ पर, काफी अच्छी राइड, पुरुष खतरा हो सकता था, पीछे से अटैक कर रहे थे डिफेंडर लेकिन मुड़े और कोई पॉइंट नहीं। रोड पर एक बार फिर ये आपने लाइन टच की और वापस अपने पाले में, स्कोर अभी भी डू एंड डाई रेड, थर्ड रेड डू एंड डाई रेड है, देखते हैं। और ये पकड़ा है यहाँ पर डू एंड डाई में, डाई
में दो यार। और डो एंड डाई यहाँ पर है, स्कोर बताइए सर, स्कोर महोदय 25-23। और यहाँ भी डू एंड डाई रेड है, डू एंड डाई, पिछली में डाई हुए थे, देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्या कर पाते हैं बेहतर के। ओ कर गए डू में ले गए पॉइंट और पलसावता को पॉइंट और टाइम आउट लिया है पलसावता ने। डिटोल यदि अवेलेबल हो तो वॉलंटियर्स ध्यान दे, डिटोल आयोजक कमेटी डिटोल हो तो डिटोल चाहिए। यहाँ एक किक लगी थी, किट है क्या, नौजवान बाहर हुए हैं और शाहरुख इन हुए हैं और उधर भी चेंज हुआ है। स्कोर बता दो फिर, स्कोर दानिश अंदर आए हैं और जावेद बाहर हुए हैं बेहतर की ओर से, दोनों टीम से परिवर्तन। स्कोर को और बता दो, स्कोर हुआ है जावेद, इन कौन हुआ सर इधर उस बीच। और ये देखिए चैलेंज उन्होंने किया है और यहाँ पर दो पॉइंट दे दिए हैं, दो पॉइंट ले गए रेडर, दो पॉइंट। यस आप लोग बहस ना करें एम पर, दो पॉइंट दानिश अंदर हुआ है ना और बाहर कौन, जावेद बाहर हुए और स्कोर स्कोर 25-26 काफी नजदीकी है। पलसावता 26-25 बेहतर पलसावता ने और यहां देखिए यहां रोका है और 26-26 यह दोनों ही टीम का स्कोर हो गया है इक्वल। यहां पर 26-26 इक्वल पॉइंट और लेकिन इधर शायद सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर पलसावता के लिए, क्या इसका फायदा ले पाते हैं, नहीं शायद वो नहीं लेना चाह रहे हैं और स्कोर बराबर है दोनों ही टीम का 26-26। पलसावता के रेडर जाते हुए 26-26 यहाँ पर अपना बोनस के लिए कहा उन्होंने लेकिन एम्पायर रेफरी ने न करा और यहाँ पर फिर सुपर टैकल हो सकते हैं या नहीं ये वक्त बताएगा लेकिन ऑन है। लेकिन देखें रेडर भी कौन है, वाह क्या बात है, लेफ्ट राइट वापस बैक और बहुत ही अच्छी रेड, फिर से धरना ब्रोड रेडर ने खुर्शीद अहमद खुर्शीद और ये बहुत ही अच्छा अटैक यहाँ पर किया, मूवमेंट बनाया था लेकिन उतने सजग थे डिफेंडर, वापस खींचा अपने आप को, उनकी पॉज से बाहर बनाया और यहाँ पर तो अंदर दिया पैर उसी तरह कैच कर लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ये और लेकिन लोबी से बाहर ना भाई लोबी से एक पॉइंट मिलते ही अब स्कोर हो गया है बेहतर का 27 और 26 डू एंड डाई सुपर टैकल ऑन मेरे भाई और ये ले लिया पॉइंट डू, तो अब स्कोर है 28 और ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है यहाँ पर पलसावता के ऊपर, ऑल आउट का खतरा, डू एंड डाई में मिला था पॉइंट अभी और ये देखिए ये देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ले लिया है पलसावता ने, स्कोर पहुंचा 27 और इनका 28 है बेहतर 27-28 और यहाँ पर टच किया और 29-27 देखते हैं बहुत ही सजगता के साथ टांग देना तो खतरा बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और देखो यहाँ पर
और ऑल आउट कर दिया है और ये तीन पॉइंट मिल गए हैं बैतर को इन तीन पॉइंट के साथ ही, और ये टाइम आउट लिया है यहाँ पर 32 और इनकम 27। स्कोर है 32 बैतर, 32 बैतर 27 पल्सावटा। दो टाइम आउट हो चुके हैं, नोट कर रहे हैं हमारे स्कोर महोदय, दोनों के दो दो, दोनों दो दो टाइम आउट ले चुके हैं। छह लगभग पौने छह सात मिनट का खेल हो चुका है, 12-13 मिनट का खेल होगा कि सेकेंड हाफ का स्कोर। इस बीच रेड स्टार्ट, बैतल 32 27 है पल्सावटा, 32-27 पल्सावटा, 27 बैतल 32 रेडर यहां पर रेड देते हुए बहुत ही अच्छी रेडिंग करते हैं ये, बड़ी सजगता के साथ दोनों तरफ अपना मूवमेंट रखते हैं। 32-27 आजाद रेडर, 32-27 आजाद अपनी टीम के कप्तान क्या करते हैं, अब तक इसमें अपनी शिकार बना पाते हैं नहीं, काफी अच्छी रेडिंग पहले रेड दे रहे थे लेकिन अब पूरी खेल में परिवर्तन फ्लाइंग की यहां पर दिया, लेकिन सजग थे वहां पर डिफेंडर, कोई मौका नहीं दिया यहां पर आजाद को। अब आदिल जा रहे हैं कप्तान बेहतर के, आदिल तालियां बजाते रहे दर्शक, बहुत ही अच्छा मैच यहां पर। और ये देखिए आदिल, आदिल का पैर पकड़ के स्वागत करना चाहे, एक अंक दे दिया 33-27 चल रहे हैं, 27 पर ज्यादा यह चैलेंज किया उन्होंने टोटस का, और जो भी है कुछ भी नहीं, 33-27 आदिल एक बार फिर, पिछली राउंड में उन्हें सफलता मिली थी जितना भी है आदिल, पूरी तरीके से छाए हुए हैं ग्राउंड पर बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ पूरा काम करते हुए आदिल, आदिल और आजाद के डिवेंडाइड है यहाँ पर। और ये देखिए खतरा हो सकता था लेकिन दूसरे ने संभाला, क्या होता है काफी अच्छी कबड्डी रेडर के लिए, डू एंड आई रेड है, इसमें पॉइंट लेना जरूरी होगा नहीं तो अपने आप को कुर्बान करना होगा, डू एंड आई रेड, और देखो कुछ कर पाते हैं या नहीं, और यहां पर टाइम रेडर आउट, रेडर आउट, और यहां पर स्कोर है बैतर 34 और पल्सावटा 27-34 बढ़त बना ली है बैतर ने, पल्सावटा सीनियर 27-34। नमस्कार बहुत ही शानदार रेड यहाँ पर मजबूत भाई ने लगा दी है, और फाइनल मुकाबले में लगभग 10 पॉइंटों की लीड यहाँ पर बैतर ने ले ली है, और ये बामनवास राजकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला जिसमें लगभग 12 पॉइंटों से बैतर की टीम आगे है, और ये दूसरा भाग है कबड्डी का, दूसरा हाफ है, टाइम आउट दिया गया यहाँ पर बैतर की टीम का, रणनीति बना रही है बैतर की टीम, हम आपको दिखाते हैं सभी भाई लाइक करते रहे, यहाँ पर अंतिम 10 मिनट बची लगभग 12 पॉइंटों से यहाँ बेहतर आगे चल रहा है, और दूसरा हाफ चल रहा है कबड्डी का खेल का, लगभग 5-7 मिनट बची है, सर पानी की व्यवस्था करो, पानी की पानी पिला भाई, यहाँ पे लगभग 12 पॉइंटों की बढ़त बना ली है यहाँ बामनवास कबड्डी प्रतियोगिता में, बहुत ही शानदार टीम का अंतिम 10 मिनट प्रदर्शन चल रहा है,
पुणे खेल प्रारंभ होने को जा रहा है। सभी भाई लाइक करें वीडियो को, सभी भाई लाइक करें। और यहाँ पर रेडर आए हैं फलसाउटा की तरफ से, बहुत ही शानदार मैच हम आपको दिखा रहे हैं लाइव बामनवाद से सीधे। टाइम रुका हुआ है यहाँ पर, जैसे रेफरी और ये टाइम स्टार्ट यहाँ पर, और ये पकड़ा है एक पॉइंट और बेतेड़ को, बेतेड़ को एक पॉइंट और 37 बेतेड़, 37 बेतेड़, और ऑल आउट का खतरा भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जाहुल बाबा सुपर टेकर में आउट, दो पॉइंट यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कमाए फलसावटा की टीम ने। यहाँ पर एक अच्छी वापसी हो सकती है फलसावटा की टीम। रामफूल जी की ओर से 150 रुपए का नगद प्लेट देकर आना था की टीम को, 150 रुपए तालियां बजाइए, 150 रुपए का नगद पुरस्कार बेहतर के हम मजबूत भाई रेट के लिए जाते हुए। और ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखे रेडर सेफ के चल आउट, यहाँ पर मजकूर भाई ने शानदार पॉइंट लिया है 38 में बेहतर, और जबकि पलसा होता है 29 पर 38 और 38 पर रेड देते हुए, बहुत कम समय बचा है अब दुख रहे है, कुछ अच्छी रेड देनी होगी पलसावटा को। उधर ऑल आउट का खतरा भी मंडरा रहा है पलसावटा पर लगभग, बहुत ही शानदार टैकल यहाँ पर मुसाइद मूसा के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त डिफेंड किया यहाँ पर शाहरुख खान ने, चिक कर दिया रेडर को और अंतिम खिलाड़ी बचाए फलसावटा के गेम में। और ऑल आउट का खतरा लगभग बन चुका है, मंडरा रहा है, टाइम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, शिकार को पका रहे हैं, जाओ ले भर पेट भर आंख इसको देख लूं फिर खा लूं, और ये ले लिया दोनों दे लिया है यहाँ पर बेहतरीन ने फलसावटा की टीम ऑल आउट हो चुकी है। स्कोर बताइए दोनों के स्कोर, और टाइम आउट लिया है यहाँ पर बेहतरीन ने 40-30 लाइव सीजन बामन वाक आपको दिखा रहे हैं भाई, 8 मिनट आपकी जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक स्कोर है। दूसरा सेशन, दूसरा भाग, दूसरा हाफ कबड्डी का 42-29 आजाद भाई आए हैं रेड में, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे रेडर है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं चल पाए बेतेड़ के डिफेंड के सामने। और ये नहीं है, नहीं लाइन पे सर, अनास क्लेम किया था, बोनस मिला है पलसावटा को 30 चैलेंज किया था, एक्सपेक्ट किया रेफरी साहब ने, और बोनस पॉइंट सर कितना रखे थे बिल्कुल, दोनों पड़ोसी टीमें बामनवास विधानसभा में आकर खेल रही है, काफी अच्छी रेड समय लेते हुए अपना, ये इनकी स्टाइल है दोनों तरफ मूवमेंट की, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बहुत ही अच्छी पूरे ग्राउंड में मिट्टी धूल उड़ा देते हैं। और यहाँ पर उधर आउट, टाइम ज्यादा, दो विसिल बज चुकी थी, रेडर आउट, रेडर आउट हो गए यहाँ पर, एक पॉइंट मिला पर सावता को, 31 पर सावता, और ये है 42, और ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिफेंड किया है, और आजाद को ढेर कर दिया एक बार फिर बेतेड की टीम ने, पहुंच गए हैं चोटी लोनी की वजह से भाई मैं नहीं खेल पाया, छोटी थी इसमें टाइम आउट नहीं है अवेलेबल, टाइम आउट टेबल लेवल नहीं है, चलिए 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 इनको दे दो रेड, और किसी भी लगभग 12-13 पॉइंटों की लीड यहाँ पर बेतेड की है फाइनल मुकाबले में। आदिल कैप्टन बढ़त बनाई हुई है उनकी टीम, और समय ले रहे हैं, भरपूर समय निकाल रहे हैं, पता है बढ़त है, और लगभग
छह मिनट का खेल और शेष रहा है मेरे प्रयोग में लग गई, इसलिए भाइयों मैं नहीं खेल पाया। अब आगे है टीम, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। ढेर कर दिया एक बार फिर पलसाउट के रेडर को, पलसाउट के रेडर बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं बेतेड़ के डिफेंड के सामने। बहुत ही शानदार उन्होंने मछली की मजा ले रहे हैं। और ये आदिल का दबदबा, आदिल कोई नहीं आएगा नजदीक। रेड कलर की बन रही है, लाल पीला आदिल ले ले। और अपने साथ ताकि और से रेड देते हुए, ये भी काफी अच्छे रेडर है, मजबूत रेडर है। तीन काफी अच्छी रेड, सुपर रेड, तीन पॉइंट सुपर रेड लगा दी यहाँ पर पलसाउट के रेडर ने। 34 में पहुंच गए हैं, लगभग 5 मिनट का खेल शेष है। मेरे टाइम आउट नहीं है, अपने टाइम आउट है। रेड दे मंसूर, रेड दे मंसूर, रेड दे, अरे रेड दे जल्दी। 34 44 10 अंक का अंतर है, 34 44 34 है पलसाउटा, 44 है महते। 5 मिनट का गेम है, खेल रही है 34 44। ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और ये 34 44 मैच पलट गया है, बिल्कुल मैच पलट गया है, इतने कोई सकोटर बन नहीं है। रेड चालू है, सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन है, 36 44 36 44 36 44 जल्दी करें, ये लास्ट 4 मिनट का खेल शेष है, 36 44 अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है, बेहतर है 37 47 44। और ये देखिए 37 44 40 3 मिनट का खेल से भैया आदिल की टीम 44। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर, और 3 मिनट का खेल 44 का ये मैच प्रतियोगिता का 3 मिनट और से देखिए पूरा समय लेता है, और 40 44 आ जाते हैं, जिसे जाते हुए कुछ बढ़त बनानी है तो रेडर्स को करना होगा। पॉइंट लिया है यहाँ पर, और बोनस नहीं है, एक ही पॉइंट मिलेगा। 41 44 41 44 चलिए चलिए टाइम बचा, चलिए टाइम बचा, चलिए एक और पॉइंट मिल गया है, कहते हैं 42 44 42 44 मात्र 2 मिनट का खेल शेष, 42 44 मात्र 2 मिनट, 42 44 लेफ्ट राइट चलते हैं, 42 44 हो चुके हैं, 42 44 टेक्निकल टाइम आउट, ये टेक्निकल है, ये किसी टीम के खातिर नहीं। अंतिम दौर का खेल चल रहा है, देखते हैं आजाद क्या कर पाते हैं। 44 44 बहुत एक पॉइंट का है, इस रेड में यदि पॉइंट लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे आदिल 44 44 ये आपने अठारह मिनट का खेल शेष है,
एक मिनट का खेल है और एक मिनट बची है। इस पर संभाली संभाली और अंतिम बार चल रहा है 45 संभाली और यहाँ पर ज्यादा समय लेते हुए शायद ये अंतिम रेड हो सकती है और 45 संभाली और इसी के पैतालीस संभाली